गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, लास्ट डे हमने क्या पढ़ा था? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है और स्टोरेज डिवाइस क्या है। यहाँ पे देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है कि जैसे हम कुछ भी काम, जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मम्मी चाय बनाती है तो उसमें चीनी, सब दूध, पानी, जो भी डालना है, अदरक वगैरह सब डाल दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया इनपुट। और जब वो चाय पक रही होती है ना, मतलब पकाते हैं उसे, तो जितना खोलता है वो सब, चाय पत्ती खोलती है, दूध वगैरह सब डालने के बाद जब वो पकती है तो वो होता है प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में हम कुछ भी काम करते हैं तो जैसे हम अगर हम कंप्यूटर को ओपन भी करते हैं तो वो भी प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा ना, अपने मोबाइल में काम करते हैं, मोबाइल में जैसे आप कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या है, अगर मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो है तो आप उसे ऑन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाता है ना ओपन होने में, तो वो क्या होता है, वो प्रोसेस टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग टाइम है, इसे प्रोसेसिंग कहते हैं। और दूसरा आपका जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, स्टोरेज का मतलब होता है स्टोर करना, कि कुछ भी हमारा जो भी डाटा होता है कंप्यूटर में, हम कुछ भी काम करते हैं, पेंट में आपने कोई ड्राइंग की, आपको उसे सेव करना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अपने डेटा को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे सिंपल है, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल बैग होता है आपके पास, स्कूल बैग में आप अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक्स सब रखते हैं ना, तो वो क्या है, उसमें क्यों रखते हैं, आप ऐसे भी तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें रखने का रीज़न क्या है, ताकि आपके जो यहाँ पे बुक, नोटबुक है, पेंसिल है, वो सेफ़ रह सके। ठीक है, इसीलिए करते हैं ना, तो वही रीज़न है कि हम भी जब कंप्यूटर में कुछ भी काम करते हैं तो हमारी फाइल आगे के लिए सेफ रह सके, इसलिए हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, उसे कैसे हम स्टोर करते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आता है प्रोसेसिंग डिवाइस में CPU। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देख लीजिए, ये आपका CPU होता है। ठीक है, इस तरह से आपका CPU दिखाई देता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, हम CPU इसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, ये हमारा क्या कैबिनेट होता है, ये एक बॉक्स होता है, ये क्या करता है, हमारे CPU को सेफ रखता है। ठीक है, CPU हमारा यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, ये हमारा CPU होता है। क्लियर हो गया, मतलब इस जो चिप लगी हुई है इसकी हेल्प से प्रोसेसिंग होती है। ठीक है बच्चों, तो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस एक ही है और वो क्या है, आपका CPU। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में आपके सबसे पहले आती है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क किस तरह से दिखाई देती है, ये आपकी हार्ड डिस्क है, इसमें आप डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, ये डेटा आपका सेफ होता है। ठीक है, इसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ भी काम किया और अपना डेटा सेव कर लिया तो इसमें आपका आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सेफ रहता है डेटा। ठीक है, दूसरी हमारी स्टोरेज डिवाइस है यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी क्या करता है, जो भी आप काम करते हैं उसे सेव करता है। ठीक है, थर्ड डिवाइस यहाँ पर आपके पास आती है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी आप, पेन ड्राइव को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, PD बोलते हैं, तो पेन ड्राइव भी आप क्या करते हैं, इस तरह की पेन ड्राइव आपने देखी होगी, दीदी के पास, भैया के पास, पापा जी के पास देखी होगी, तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने काम को सेफ रख सकते हैं, आपकी फ़ोटो वगैरह होती है, कोई भी मूवी होती है, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है CD DVD। CD DVD में ये देख लीजिए, इस तरह की CD तो आपने देखी होगी, तो इसमें भी आपने ये हम क्या करते हैं, इसमें सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि शादी की जैसे वीडियो होती है, दीदी की शादी होती है, भैया की शादी होती है, तो उनकी शादी की वीडियो क्या है, इसमें सेफ रहती है, स्टोर करते हैं, जो जब हम जब शादी होती है किसी की, तो आते ना फोटोग्राफर, तो जब वो
शादी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें जब फ़ोटो वगैरह देते हैं तो इस तरह की एक सीडी भी देते हैं साथ में, ठीक है। तो इसमें बोला क्या, इसमें दीदी भैया की शादी क्या है, स्टोर रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी क्या करता है, ये भी आपके डेटा को सेफ रखता है, ठीक है। ये टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, ये भी आपके डेटा को सेफ रखता है। और यहाँ पे दूसरा आता है आपका रोम रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी भी आपका क्या है, आपके काम को क्या करता है, सेफ रखता है। इसका क्या, इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम आप काम करते हैं ना, तो इसमें आप क्या करते हैं, इस काम को केवल आप पढ़ सकते हैं, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। कि जैसा आपने काम किया, आगे आप इसको अगर पढ़ सकते हैं, आप इसमें जैसे आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये है आपका स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट डे मैं आपको दूसरी क्लास दूंगी, ठीक है, ओके।